तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लगातार सियासी हलचल तेज है और इसी मसले को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, इसी क्रम में अब कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद, इस पर कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है, इस ओर आगे बढ़ने की कवायद जो है वो हो रही है। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल विस्तार और साथ ही संगठन को लेकर एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत लागू किया जाएगा। इससे जुड़ा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो अजमेर का है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान अधिकारियों से चर्चा में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुझसे जो विभागीय काम करवाना चाहते हैं जल्द करवा लीजिए, मैं 2 से 5 या 10 दिन का मेहमान हूं। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि जिससे कि मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा। सूत्रों की माने तो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बने रहेंगे लेकिन शिक्षा मंत्री का पद उनसे लिया जा सकता है। मेरे पास 1 घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ, हम आता हूँ, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। मेरे पास 1 घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ, हम आता हूँ, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। तो वह चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का